दोस्तों जिस पांडा को अभी आप देख रहे हो, असल में जब वे बच्चे होते हैं तो बहुत छोटे होते हैं। इनका वजन एक चाय के कप से भी कम होता है। और क्या आप जानते हो कंगारू इतना चालाक होता है कि जब मुसीबत आती है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, तभी पता चलेगा। और क्या आप जानते हो चाइना में कुत्तों के साथ क्या होता है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, सब मालूम चलेगा। इस वीडियो में आप ऐसे अजीबोगरीब फैक्ट्स के बारे में जानोगे कि आपके मुंह से एक ही वर्ड निकलेगा, वाओ दैट्स अमेजिंग। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी, स्वागत है आपका अनोखे सत्य की इस नई वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमीन पर जिनके हुनर बोलते हैं। फैक्ट नंबर वन, दोस्तों ये ट्रिक आपके बहुत काम आने वाला है, जरा ध्यान से सुनना, ओके? आप कभी भी नींबू को काटते होंगे तो उसमें से जो रस निकलता है असल में वो पूरा रस नहीं होता। नींबू में से पूरा रस निकालने के लिए ये ट्रिक जरूर आजमाएं। नींबू को गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, फिर थोड़ी देर के बाद उसे काटने पर नींबू से ज्यादा रस निकलता है। एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। क्या आपने कभी ट्राई किया है, कमेंट में जरूर बताइए। क्या आप बता सकते हो कि नींबू में सबसे ज्यादा कौन सा विटामिन पाया जाता है, अगर हाँ तो कमेंट में जरूर बताना। फैक्ट नंबर टू, दोस्तों ये बात मुझे बताने की कतई आवश्यकता नहीं है कि चीन में लोग क्या क्या खाते हैं। अब आप सोचोगे कि मैंने ये क्या कर दिया, इंसान है खाना खाते होंगे। हाँ, मैं ये बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ कि वे इंसान नहीं है, वे इंसान ही है, लेकिन वे जानवर से भी बदतर है। चलो आपको फैक्ट बता ही देता हूँ कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कुत्ते का मांस चीन में खाया जाता है, और भी पता नहीं क्या क्या खाता है सब। फैक्ट नंबर थ्री, दोस्तों ये फैक्ट जानकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों ये बात तो आप सभी जानते ही हैं, इंसानों का सबसे अच्छा दोस्त जानवर में डॉग होते हैं। एक डॉग और एक ह्यूमन का रिलेशन कैसा होता है आप इस वीडियो में देख के समझ पा रहे होंगे। दोस्तों फैक्ट ये है कि डॉग इंसानों की उदासी पहचान सकते हैं, और कई बार तो वे अपने मालिक को खुश करने की कोशिश भी करते हैं। सच में डॉग बहुत ही वफादार जानवर होते हैं। फैक्ट नंबर फोर, दोस्तों कंगारू इतना समझदार और इतना चालाक होते हैं कि शायद ही कोई दूसरा जानवर हो उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि जब कंगारू खतरा महसूस करता है तो अपने प्यारे से छोटे छोटे बच्चों को पेट के अंदर बने थैले में छिपा लेता है, और जब खतरा टल जाता है तो बाहर निकाल देता है। सच में माँ माँ होती है, चाहे इंसानों की हो या जानवरों की। यदि इस फैक्ट ने आपका दिल छू लिया हो तो एक लाइक कर देना। फैक्ट नंबर फाइव, दोस्तों क्या आप जानते हो जब पांडा पैदा होते हैं तो एक नए जन्मे पांडा का वजन करीब एक चाय के कप से भी कम होता है, लेकिन जब वही पांडा बड़ा हो जाता है तो उसका वजन 70 से 100 केजी के बीच में हो जाता है। कितना कमाल का फैक्ट है ना। दोस्तों पिछले एपिसोड के सवाल का जवाब जिन्होंने सबसे पहले दिया उनका नाम है प्यारे अभी, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले सही जवाब देने के लिए। वह कौन है जो सुबह से शाम तक सूरज की तरफ देखता रहता है? देखते हैं इस सवाल का सही जवाब सबसे पहले कौन देता है। जो भी व्यक्ति इस सवाल का सही जवाब सबसे पहले कमेंट में देगा उसका नाम अगले एपिसोड में लिया जाएगा। दोस्तों आपको ये फैक्ट कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हो वो भी कमेंट कर सकते हो। तब तक लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। आई लव यू ऑल।